2022 के चुनावी समर के लिए पिघल बच चुका है। अब सियासी दलों ने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए मंथन करना शुरू कर दिया है। लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। इस दौरान दोनों पार्टी के दफ्तरों के बाहर टिकट के दावेदारों की भीड़ जुट गई। उम्मीदवारों पर आखिरी फैसला चुनाव समिति को लेना है। सबसे बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे पहले चरण के सियासी रण की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र में किस पार्टी का कितना रुतबा है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के सवाल, पश्चिमी यूपी में फहरेगा किसका परचम? बीजेपी को मिलेगा कृषि कानून वापसी से फायदा? बीजेपी समाजवादी पार्टी में किसका पलड़ा भारी होगा? क्या वैसी दिखा पाएंगे कोई कमाल? इमरान मसूद के अलग होने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव का पहला चरण यानी विधानसभा की 58 सीटें, ये सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में 10 फरवरी को वोटिंग होगी। ऐसे में सभी पार्टियों का फोकस इन सीटों के लिए उम्मीदवार तय करना है। मुद्दा सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं है बल्कि ऐसे चेहरों का चुनाव करना है जो इन सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सके। लिहाजा सभी दलों की कसरत भी शुरू हो चुकी है। लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। यानी साफ है कि हर पार्टी किसी भी फैसले से पहले उम्मीदवार को पूरी तरह से जांच परख लेना चाहती है। इस बार चुनाव कोरोना काल में हो रहे हैं, लिहाजा सिर्फ उम्मीदवारों का चयन ही नहीं बल्कि चुनाव प्रचार के लिए प्लानिंग भी बेहद अहम है। बीजेपी ने अपने प्रचार नीति का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने 300 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में सघन संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले, डोर टू डोर संपर्क, घर घर संपर्क, गली गली में संपर्क, हम सब प्रत्येक घर में जाने वाले हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार की तैयारी में जुटी है। इस तरह से हमारी वैन्स हैं, हमारी वैन वहाँ पर गांव में जाती हैं, उन वैनों के माध्यम से जो लोग वहाँ पर गांव इकट्ठा होते हैं उनको हम संबोधित करते हैं और उनसे सुनते हैं। उनकी जो वैन पे जो लोग वहाँ अपने उनके हाथ में माइक या मोबाइल है उससे हम कनेक्टेड होते हैं सीधे। और इसी बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी घटनाक्रम भी तेजी से बदल रहे हैं। इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया और अब वो समाजवादी हो गए हैं जो कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि अखिलेश जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बने और मेरे तमाम साथियों ने इस पर सहमति दी है। दूसरी तरफ ओवैसी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल्य सीटों से यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे हैं और ऐसे में इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में सियासी हवा किस ओर बह रही है। क्या इस बार भी 2017 के परिणामों को दोहराया जाएगा या फिर ये इलाका इस बार नई इबारत लिखेगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। टीम न्यूज स्टेट। अनिला सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है अनिला जी। पश्चिमी यूपी के वोटर्स क्या बीजेपी के साथ हैं? मेरी सबको राम राम। और राहुल जी, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आती हूँ तो इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह सकती हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अगर मैं पश्चिमी बिल्कुल प्योर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसकी सीट्स माने तो 76 सीट्स होती हैं। उसमें पिछली बार जो है 66 सीट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी और समाजवादी पार्टी के पास 4, बीएसपी के पास 3 और कांग्रेस के पास 2 जी। इस तरीके से आई थी। तो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ मिलेगा क्योंकि जिस प्रकार के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किए हैं, ये ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेसिव एरिया है उत्तर प्रदेश का, परंतु इसको जो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स थी उसके ऊपर ध्यान देते हुए सरकार ने काम किया, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के बारे में हो, चाहे अभी हमने देखा कि मेरठ में प्रधानमंत्री जी ने खेल यूनिवर्सिटी, क्योंकि इस क्षेत्र से खिलाड़ी बहुत निकलते हैं
तो एक ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम से विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय है, वहां पे उसका एस्टेब्लिशमेंट होगा। सबसे बड़ी एक न्यूसेंस यहाँ पे रहती थी अपराधियों की, तो उस पर भी अंकुश लगाया गया है। किसानों के मसले जो है वो जितने मैक्सिमम हमने सॉल्व किए हैं तो किसी और राज्य में। राकेश टिकैत तो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी को लेकर। देखिए राकेश टिकैत जी ठीक है, धरने के समय जो है मीडिया उन्हीं का इंटरव्यू लेती थी, बाकी ऐसे किसानों के नेता रहे हैं जिन्होंने वाकई में किसानों के खातों में मुकदमे, अपने जेब से पैसे से मुकदमे लड़ लड़ के किसानों के खातों में पैसे पहुंचवाए हैं, उनको स्पेस नहीं मिल पाई जी। तो कुछ लोग अच्छे होते हैं मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए, राकेश जी उन्हीं में से हैं। अगर ये सोचा जाए कि राकेश जी की वजह से उत्तर प्रदेश का किसान, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देगा, तो ये शायद राकेश जी की या उन राजनीतिक दलों की गलतफहमी होगी जो शायद राकेश जी का। क्या लगता नहीं कि चुनौती इस बार जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ, आरएलडी पश्चिमी यूपी में अगर कहे उनका जनाधार ज्यादा है, हार जीत दूसरी बात है लेकिन जनाधार वाली जो बात हो रही है उसमें वो प्लस है। राहुल जी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो जाट डोमिनेटेड एरिया है और जाट कॉम ऐसी होती है, खुद तो वो डालती भी है और इन्फ्लुएंस भी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ये बहुत सोसाइटल स्टेप रहा है जयंत चौधरी जी का कि जो वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं है कि 2013 में क्या हुआ। 2013 में जो कवाल जो गांव था वहां के दो बच्चे सचिन और गौरव अपनी बहन की अस्मिता बचाने के लिए जो उन्होंने किया, तो उसके बदले में उनके छितड़े उड़ा दिए गए। फिर हिंदू लड़कों के साथ क्या हर्ष किया गया वो हम जानते हैं अच्छी तरीके से। तो अनिला सिंह जी हमारे साथ है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस और कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। कपिल जी, पश्चिमी यूपी में चुनौती है, जो बीजेपी का चक्रव्यूह है उसे क्या तोड़ पाएंगे? हालांकि 2012 में बेहतर सीटें थी, 2017 में कुछ कमाल नहीं कर पाए, तो 2022 में उम्मीद कर रहे हैं। राहुल भाई बहुत सीधी सी बात है, इस समय तो कोई टक्कर नहीं है, भाजपा तो मैदान में ही नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, कैसी टक्कर मान ले? किसानों की हत्या करा के मान ले क्या? या जब तपस्या में हुजूर की कमी रह गई थी तो 756 सीधा किसान को शहीद जो कर दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, उसमें मान लो क्या कि उनको वोट नहीं देगा? और जिस बात को कह करके आंदोलन इन्होंने खत्म कराया, उनमें से एक भी डिमांड पूरी कर दिए क्या? तो प्रश्न इस चीज का है। और रह गई बात इस चीज की कि भारतीय जनता पार्टी आज उन बुरे दिनों को याद कर रही है जो उसके द्वारा खड़े किए गए थे और विभाजनकारी नीतियां बता रही हैं अनिला सिंह जी। कितना भयक्रांत है भारतीय जनता पार्टी कि उसके देश के लोगों पर विश्वास नहीं है कि आप क्या दे सकते हैं उत्तर प्रदेश को। जनता ने देख लिया जो आप कुछ दे सकती थी, गृह राज्य मंत्री से हत्या करवा दी कहलवा के उकसवा करके, और आज भी उनको हृदय से सपराई हुई है, जबकि चार्जशीट में आ गया कि षड्यंत्र करने के बाद यह हत्या की गई। और आपने नामजद अभियुक्त का नाम कैसे निकाल दिया? जब हम रोहित, यही तो हम लोग कहते थे और यही किसान संगठनों की मांग थी। बीच हिस्से की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, तब इस पर चर्चा होगी, हटाया जाए तब उस पर चर्चा होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए क्या वैक्यूम बन रहा है जरा ये बता दीजिए, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हमने विकास की योजनाएं पश्चिम में खूब बहाई है। राहुल भाई गजब की बात करते हो आप, उत्तर प्रदेश को भी आप बांट रहे हो। जब चुनाव आयोग देश की जनता को भी बांटोगे, उत्तर प्रदेश को भी बांटोगे, कहां बातें कपीश जी, कहां की बातें कहां ले चल रहे हैं? भाजपा का काम है बांटने, कहां की बातें कहां ले चल रहे हैं? पहले चरण पर चरण वाइज बनेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? आप तय करेंगे क्या? किसान जी आप तय करेंगे, लखीमपुर के आप तय करेंगे, लखीमपुर में पश्चिम का किसान क्या होगा? और पश्चिमी यूपी पर बात करने के लिए बात हुई होगी, कैसे बांट दोगे आप?
आप मुझे बता दीजिए आप लखीमपुर में बात होगी ना, क्या करवा रहे हो? जिस दिन हम लखीमपुर खीरी को लेकर बैठेंगे उस दिन बात होगी। घटना को आप तय न कीजिए ना चर्चा, क्यों ना आपसे जो सवाल किया गया वो बताइए। राहुल भाई आप तय न कीजिए, करने दो ना, आप ना तय कीजिए ना। नहीं मुझे ना समझाइए, पत्रकारिता मुझे ना समझाइए, पत्रकारिता मुझे ना समझाइए, आप क्यों बांट रहे हैं? पर्सनल ना बांटने दीजिए ना, भाजपा का काम है बांटना, मेरा एंकर का काम ये मेरा नहीं है। ये मेरा चैनल है, एंकर का काम मेरा शो है, क्यों बांट रहे हो? मैं चाहे जो करूं, अरे आपको आप कौन होते हैं बताने वाले? आपको सवाल होगा जवाब देना, जवाब दीजिए। आपका चुन मार के बैठिए, दूसरे प्रवक्ता है प्रदीप सिंह जी। मैं तो बता रहा हूँ प्रदीप सिंह जी, मैं तो बता रहा हूँ, आप बांट रहे हो बैठ करके। कांग्रेस के दो या तीन प्रवक्ता को बांटने दो ना। विधानसभा चुनाव में 2017 में जो बढ़त की उम्मीद थी इमरान मसूद के जरिए, वो भी अब खत्म हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे प्रदेश के किसानों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने और प्रदेश के अधिकतर लोगों ने पूर्ण बहुमत और बहुत प्यार के साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया और एक सरकार बनाई। और जब सरकार बनाई तो इन्होंने किसानों से वादा किया, इन्होंने किसानों से वादा किया था, इन्होंने नौजवानों से वादा किया था, न भय न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार क्या हुआ? जब किसान पूरी ताकत से इनके साथ खड़े थे तो आज ये किसानों के साथ क्या स्थिति हो रही? जब किसान तीन काले कानूनों की बात कर रहा होता है तो ये उन्हें आतंकवादी बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं, अराजक बताते हैं। और जब केंद्रीय मंत्री बात हम कांग्रेस की कर रहे हैं, आप बीजेपी की कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस को कितनी उम्मीद है? इमरान मसूद का भी साथ छोड़ गया है, हो सकता है कि वो दो चार नहीं, छह नहीं, आठ नहीं, दस नहीं सीटों पर प्रभाव डाल सकते थे। नहीं, इमरान मसूद के अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दीपक जैन हो, अमनीश काजरा हो, सुबोध शर्मा, यूनुस चौधरी हो, उत्तम त्यागी हो, ब्रजेंद्र यादव हो, शिवपाल सिंह हो, भगवान दास हो, राघवेंद्र हो, संतोष हो, दीपक है, कपिल है, दिनेश अवाना, पुरुषोत्तम नागर है, शुएब है, बेगम नूरबानू है, प्रवीण एरन है, कुंवर सर्राज सिंह है, ओमती देवी है, राजबब्बर जी, हमारे पास नेताओं की पूरी फौज और कार्यकर्ताओं की पूरी फौज और एक नई कांग्रेस है। हमने हम जन जन तक पहुंच चुके हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी अगर वाकई उत्तर प्रदेश में इस अहंकारी सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक दल लड़ता नजर आया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ती नजर आई है और हमारी नेता प्रियंका गांधी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार की लल्लू लड़ते नजर आए। और जब किसानों की बात होती है तो आज भट्टा परसौर सभी को याद होगा, सिर्फ राहुल गांधी जी सभी को याद होगी, लगातार हमने अगर किसानों की कर्जा माफी की बात होती है ठीक है। अनिला सिंह जी आपसे जवाब लेंगे, हालांकि जो सवाल उठ रहे हैं चर्चा में उसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन अभिषेक हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे बहुत ज्यादा पकड़ है उनकी, वो एक एक सीट का हिसाब बता सकते हैं और क्या माहौल चल रहा है वो भी बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से चर्चा चल रही है अभिषेक, सवाल इस बात को लेकर है कि झंडा किसका बुलंद होने वाला है अभी तक का जो हिसाब है, क्योंकि चुनाव आते आते यानी कि 10 फरवरी आते आते मतदान तक चीजें बदल जाती हैं। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समय संघर्ष है और संघर्ष दो ही पार्टियों के बीच में है, एक तो अलायंस सपा और आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी। अब ये पब्लिक को तय करना है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री किए हैं उसका कितना असर करता है, भाजपा के पास लॉ एंड ऑर्डर है और सपा के राज्य में जो दंगे हुए हैं उनको पब्लिक कितना जनमानस में रखती है, हालांकि माना जाता है कि वोटर्स बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाता है। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय बहुत अच्छा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन कश्मकश रहेगी, कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि ये सीट ये जीत जाए। हाँ, अभी कैंडिडेट्स डिक्लेयर होने बाकी हैं, जातीय समीकरण, बसपा का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, बसपा से कौन कैंडिडेट खड़ा होता है उस पर गठबंधन की जीत और हार तय करेगी, भाजपा की जीत और हार तय करेगी। कई सीटें मैं गिना सकता हूँ जहाँ बसपा के वोटर्स अगर बसपा के साथ रहे या दूसरी तरफ कन्वर्ट हुए अच्छे कैंडिडेट को लेकर, उसी का बेड़ा पार होना है। लेकिन जहाँ तक सवाल इमरान मसूद का है तो इमरान मसूद एक जमीनी नेता थे, कांग्रेस को लॉस होगा उनके जाने से, क्योंकि पूरे तो प्रदेश में जहां भाजपा की लहर प्रदीप सिंह जी नहीं मानते, पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट गिना दिया, हमें नहीं लगता कि ये बड़े नेता होंगे राज बब्बर को छोड़ के। देखिए इमरान मसूद अपने एरिया में बड़े नेता हैं,
जब पहली बार वो 2007 में विधायक बने थे, मुजफ्फराबाद सीट थी, निर्दलीय खड़े हुए थे। उससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब नगरपालिका के चेयरमैन हुए सहारनपुर में। हालांकि वो पिछले कई चुनाव हारे हैं, लेकिन उसमें ये भी है कि लहर किस तरीके की थी। मोदी लहर में बड़े बड़े धाराशाही हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 3.5 लाख सुपर वोट लेके जा रहे हैं, 4 लाख वोट ले रहे हैं, तो ये पता चलता है कि भीड़ आपके साथ है, वोटर्स आपके साथ है। ये समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा देगा वो तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, कांग्रेस के लिए पर्सनल झटका हो सकता है इमरान मसूद, और जो देहात के विधायक गए हैं वो अब अभी तक जो सैनी हैं, बेहट के विधायक, वो अभी भी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन सुखबुगाट ये हैं कि भाजपा में वो जा सकते हैं, तो ये एक और झटका कांग्रेस के लिए हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी छोटा सा जवाब अनिला सिंह जी, अपनी खोई सत्ता पाने के लिए टक्कर तो है, लेकिन टक्कर में कांग्रेस नहीं है, टक्कर में समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन है। नहीं देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये बात कही थी कि अगर मैं आरएलडी की बात करती हूँ, आरएलडी के लिए तो ये सुसाइडल है कि जो समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है। शायद अकेले जाते तो फिर भी इनको ज्यादा सीट मिल जाती, पहले शायद एक सीट जीती थी इन्होंने, वो भी इनके विधायक जी चले गए थे, इस बार हो सकता है 2-3 सीटें मिल जाती। समाजवादी पार्टी के साथ आने से इनको बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। जैसा मैंने कहा कि यहाँ उत्तर प्रदेश के जो हिंदू हैं, और खासतौर से अगर मैं जाटों की बात करती हूँ, तो वो 2013 में जो घटना हुई है उसको बिल्कुल भी भूले नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, ये आपको पता है कि गन्ना यहाँ पे काफी होता है, तो गन्ने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पहले की सरकारों ने किया ही नहीं। हमने देखिए अभी रेट भी बढ़ा दिया, इन लोगों ने क्या किया था, 20 से ज्यादा चीनी मिलें बेच दी थी, 21 से ज्यादा शटडाउन कर दी थी। और हम लोगों ने, जैसे ये अगर हम बात करते हैं, पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला चीनी मिले, इनकी पुनर्स्थापना करी, 20 से ज्यादा जो चीनी मिले उनको रेनोवेट किया। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर यहाँ के लिए कार्य कर रही है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, सुविधाएं बेटर करी है, घर घर में जो सुविधा, जो गरीब करा दिया आपने, और जो किसान सम्मान निधि जो उनके अकाउंट, 4 की हत्याएं करा दी, 756 बैठा के मरवा दिए, जो नीम को हम तो हमारे क्या कहना है, समाजवादी पार्टी का जो भूतकाल है वो भविष्य तय करेगा क्या? अब बिल्कुल करेगा जी, बिल्कुल करेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 100% करेगा। राहुल भाई, पहले तो ये कि अनिला सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने बड़ा निश्चल बातें कही कि आरएलडी अगर उनके साथ होती या अकेले चुनाव लड़ती, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, जिस चीज को वो याद दिलाना दे चाहती हैं बार बार, उसमें तो मुख्य अभियुक्त ही नहीं कि 3 नेता हैं जिन पर से मुकदमे उठा रही थी, हाईकोर्ट ने रोक दिया। तो ये कहने वाली बातें हैं, जनता जानती है, जनता ये देख रही है कि इन्होंने बैठा करके 756 किसानों की हत्या कराई है, और 4 किसान तो सीधे हत्या करा दिए अपने मंत्री के लड़के से, और मंत्री अभियुक्त को बचाए हुए हैं, और यही इनजस्टिस है जो जो हमारे किसान देख रहे हैं। वोट मांगने का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान क्या अलग थोड़ी है, उन्हीं वही तो प्रभावित है। और इस बार अपने पाले में करो, ये आपका भी कुछ है, व्यू है, कुछ रणनीति है, वो भी दर्शकों को बताएं। नहीं नहीं, हमें कोसने की क्या जरूरत, हम भैया दोहन तब से कोस ना, तो हम ना तो हम राहुल भाई ना तो हम भैया दोहन करते हैं कि भय दिखा करके वोट मांग ले। हम तो बहुत सीधी सी बात ये कह रहे हैं, ये भैया दोहन करें, हम तो जो अपना डेवलपमेंट किया उसके ऊपर जाएंगे, हम जो आगे उनके लिए हित में करेंगे और हमने जो किया है वो हम बताएंगे, लेकिन बाकी चीज तो इनके सामने है। इनको डर इस बात का लग रहा है कि इन्होंने जाट और मुस्लिम अलग किया था, तो जाट और ये मुस्लिम कॉम्बिनेशन एक कैसे हो रहा है, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत तड़पन है इनके अंदर, तड़प रही है जाट तो समझ। भाई देखिए, एक चीज बताइए, कपीश जी एक चीज बताइए, जाट तो समझ में आ रहा है, आरएलडी आरएलडी का मतलब जाट वोटर हो गए, लेकिन ये मुस्लिम मुस्लिम किससे जोड़ रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी से? संलयन से हाइड्रोजन बनता है। नहीं आप, मैं तो बहुत सीधी सी बात आपको कह रहा हूं कि पूरे देश में अब ये माहौल है कि हमें हिंदू मुसलमान में नहीं फंसना, हमें डेवलपमेंट में जाना है, और यही परमाणु संलयन की क्रिया है जो ये समझ नहीं पा रही है। 2017 की हार के बाद ये समझ में आया, और 2019 की हार के बाद ये समझ में आया कि विकास की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे। इसमें मोदी प्रदीप सिंह जी धाराशाही हो जाएगी। प्रदीप सिंह जी, जगह तो नहीं मिल रही कांग्रेस को, जो थोड़ी बहुत जगह बच भी रही थी वो भी हमें लगता है कि अब साबित होगी, कोई दूसरी पार्टी
रिक्त स्थान उसकी पूर्ति कर देगा। लगाई थी जिसका फरसा आज टूट गया। देखिए उत्तर प्रदेश का नौजवान ये आप कह रहे हैं और उत्तर की बात मत कर रहे हैं। अब किराना सहारनपुर कासगंज जैसी घटनाओं को की पुनरावृत्ति नहीं चाहता है। वो चाहता है महिला राज महिलाओं का सशक्तिकरण, उसमें 40% हिस्सेदारी और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करना चाहता है। और किसान चाहता है कि अगर राजनीतिक दल वादे कर रहे हैं तो किसानों का पूरे कर्जे माफी की बात करें, बिजली का बिल हाफ करने की बात करें और कोरोना काल का बकाया साफ करने की बात करें, दूर करेंगे कोरोना का आर्थिक भार, पूरे परिवार को देंगे। अभिषेक एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि आप चुनाव तक, हालांकि हर चुनाव हम देखते हैं मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, विकास की राजनीति पीछे छूट जाती है, जातिवाद राजनीति या हिंदू मुस्लिम, ये इफेक्ट देखने को मिलता है, हर चुनाव में देखने को मिला। क्या 2022 में भी यही स्थिति होने वाली है? राहुल बिल्कुल होने वाली है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो इलेक्शन अंत में आके दो ही चीज़ों पर टिक जाता है, हिंदू और मुसलमान। और फिर दूसरा जो मैंने बात कही कि उम्मीदवार कौन से हैं, जो तीन पार्टी इस समय मुख्य हैं उसमें कांग्रेस को भी आप नकार नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट भी अगर 10 से 15 हज़ार वोट ले जाता है और वो किस बिरादरी का है, तो जिस बिरादरी के दो कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे उसकी हार निश्चित मानी जाती है, और जिस बिरादरी का एक खड़ा हो जाएगा, मैं साफ कह रहा हूँ, अगर बीजेपी से एक हिंदू खड़ा है, सपा बसपा से दो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, तो मुस्लिम मतों का विभाजन होगा, फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुजन समाज पार्टी किन कैंडिडेट्स को चुनाव में उतार रही है, उस पर सारा गणित निर्भर करेगा। एक चीज और है, पंडित बैठे हैं जैसे चर्चा आप कर रहे हैं उसमें ओवैसी को, ओवैसी की पार्टी को कैसे भूल सकते हैं सत्ता में? मान लीजिए बीजेपी ने सही, विपक्ष ने रणनीति बनाई और AIMIM आके गड़बड़ कर दे। हाँ, अगर वो 5,000 भी वोट लेगा, फिर आम आदमी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी अगर 2,500 वोट ले जाती है या 5,000 या 10,000 वोट ले जाते हैं, ये जो कैंडिडेट कितने डिपेंड हैं कि कितने किसी भी विधानसभा में कितने पर्चे भरे जा रहे हैं, कितने उम्मीदवार खड़े हैं, उनकी जाति क्या क्या है, जो भी दावे करें कि विकास के ऊपर चुनाव होता है या किसी के ऊपर, हम अगर पीछे तक का इतिहास निकाल लें तो उसमें अंत में आके चुनाव जातीय गणना के ऊपर हो जाता है, किसकी जाति का है। जैसे मैं अभी थाना भवन की बात करूं जहां से सुरेश राणा है गन्ना मंत्री, वहां पर 42,000 राजपूत मुस्लिम हैं। अब उनकी डिमांड यह है कि RLD वहां से राजपूत मुस्लिम को टिकट दे, नहीं तो हम जो है सीधा हिंदू राजपूत यानी कि सुरेश राणा पर चले जाएंगे। और ये होता है इस एरिए में, अपनी जाति को देखा जाता है। अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा जो 12 तारीख को बीजेपी लिस्ट जारी कर रही है। लेकिन हमारे नेताओं से पूछिए वो इस पर बात तो नहीं करेंगे, वो कहेंगे हम तो विकास की राजनीति कर रहे हैं और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का और अभिषेक आपका भी धन्यवाद, बेहतर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर विकास की तो बातें की जा रही हैं, हर सरकारें विकास की बात कहकर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन चुनाव आते आते किस तरीके से जातिवादी मुद्दा हावी हो जाता है, धार्मिक मुद्दा हावी हो जाता है, सब जानते हैं। ऐसे में देखना है कि 10 फरवरी से पहले पहले चरण के चुनाव यानी कि पश्चिमी यूपी में ज्यादातर जिले पहले और दूसरे चरण में कवर हो जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ स्ट्रेटजी, क्या कुछ रणनीति सियासी पार्टियों की होगी, कौन प्लस में और कौन माइनस में। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।